तीसरी किस्म सुनना कुछ गुनाह मेरे वीरियो ऐसे ने जेड़े अल्लाह तबारक व तआला कफारे नाल माफ कर दे ने कफारा नहीं दोगे ते उस गुनाह दी बख्शिश नहीं ऐसा अपने कुरान दी है ऐसा च बयान कीता है। और एक बंदे ने कसम चुकी सी कसम उन्हें खोड़ दी कसम का कफारा की दसो ऐ मेरे को सतवां सपारा सतवें सपारे का पहला सफा सफा नंबर 111 है 111 नंबर सफे च अल्लाह पाक ने चार गल्लां दसियां ने ऐदा दा तर्जमा है अल्लाह ताला फरमांदे ने जे कसम तोड़ो ते कफारे च चार काम चारा जो कोई काम कर लो पहला काम फरमाया फकफारतु इताम अशरा के मसाकीन दसा मस्कीना नूं खाना खिलाना या दसा मस्कीना नूं कपड़े लै दिओ या कोई गुलाम आजाद कर दिओ या फरमाया तीन दिन दे रोजे रखो इन्हें चार कामों चो एक काम करोगे तो कसम तोड़न का गुनाह तुम्हें माफ आ अगर चार चो एक काम नहीं करते तो गुनाह तुम्हारी गर्दन ते वे तुसी रब की गल नूं ते रब दे नाम नूं इदां ही लकीर समझिया कि रब दा नाम है गल तोड़ छड्डी दे कफारा दी उह किड्डा वड्डा कहर कीता जे इह कफारा अदा करोगे तो रब तुहानूं माफ फरमाएगा। आ मैं इक निशानी लाई है रस्ते च बैठा सा 28वां सपारा 28वां सपारा सूरह मुजादला। फरमाया जिन्नी देर तक वो मुसलसल तोड़ नहीं गेदे रोजे नहीं रखेगा गुनाह की माफी नहीं किन्ने दिन है मुसलसल जो छगड़े नहीं 60 दिन पूरे 59 दिन पूरे चलो फरमाया कि कोई बंदा सुनेगा मैं 2 महीने मुसलसल ना रोजे नहीं रख सकता वो 60 मस्कीना नू खाना खिला दे अल्लाह दा ऐ कफारा कबूल कर के उसे गुनाह माफ कर दे। फिर मेरे प्यारे भाइयों नबी पाक दी बिल्कुल सही हदीस है अगर कोई खामन अय्यामे मखसूसा दे अंदर अपनी अहलिया दे नाल कुर्बत करता है जिन्नी देर तक पाकिस्तानी करंसी दे मुताबिक वो 20,000 रुपया या 10,000 रुपया कफारा नहीं देता उसका गुनाह माफ नहीं। अगर कोई अपनी अहलिया के नाल गुर्बत करता है फरमाया 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाता इसका गुनाह माफ नहीं गलती माफ नहीं है। नबी पाक ने अहदीस अंदर कुरान में इन चीजों को कहता अंदर बयान किया है लेकिन लोगों को इलम ही नहीं मसले का बस इको गल दिमाग चुवाली है कि अभी नबी के गुलाम नबी पाक ने आशा का तो सानू अग नहीं सार सकती असं बख्शे बख्शे हैं बस मौलवियां दा मैनूं टाइम सिर हलवा लगना चाहिए टाइम सिर मैनूं खीर लगनी चाहिए की ना पायो बोलो असल वाली गल नहीं मैं तुहानूं कहिंदा दसां मैं रोंदा पिया आ मौलवी तेरा बेड़ा करके भल्ले दी खातर लोकां नूं झलक पिया सुणना है आ बदबख्ता खीर तैनूं फिर भी लग जाणी सी मसला तेरा हुण चाहिदा दस तूं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 40 दिन 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 40 दिन
ਦਲੀਲ ਇਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਬੀ ਅਸਲਾਮ ਦੀ ਫੌਜ ਫਲਾਣਾ ਸਿਹਾਬੀ ਫੌਜ ਹੋਇਆ ਫਲਾਣਾ ਸਿਹਾਬੀਆ ਫੌਜ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਚ ਨਬੀ ਅਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਸਦਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦਲੀਲ ਹੈ मेरे
ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਈਜਾਨ ਕੰਨ ਖੋਲੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਜੇ। ਕਿਸਾਸ ਵਾਲੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿਸਾਸ ਨਾਲ ਮਾਫ ਜੇ, ਹੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਨਾਹ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਮਾਫ ਜੇ, ਹੱਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੇ। ਕਫਾਰੇ ਵਾਲੇ ਗੁਨਾਹ ਕਫਾਰੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਜੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕਫਾਰਾ ਮਾ ਤੋ ਨਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕੋ ਸਈਆਤ ਤੋ ਮੈਂ ਵਾ जिन्नी देर तक हक वाले का हक वापस नहीं करोगे माफी लभनी। भैन का हक मारे हज करके आ गए, मैं कुछ नहीं कहना क्योंकि तुम बाहर निकल के पता की कहना, तुम की कहना कई बीबियां कहना अच कारी बड़ा सख्त जुमा पढ़ाया, अच कारी गलत करनी नहीं सी चाहिए। क्यों कारी खरीदिया कारी का गुरा ही करना असर नंबर तक खरीदा। इस कारी को उम्मीद में रख कर मन पसंद गल करेगा, बड़ी खयानत कोई नहीं। अगर मैं मंबर से खड़ा हो गया तो सामने खड़िया सचिया गलों में करा और अल्लाह की कसम इन चीजा अल्लाह की रहमत समझो कि अल्लाह पाक ने तो चींदे जी यह गल सुन की इन्होंने गौर कर और इन्होंने मुताबिक अपनी सलाह कर अल्लाह पाक ने मैंने तफीक का बनाई है। मैं क्या कर सख्त गल करता है, मैं क्या कर कारी साहब दबके मारते हैं। ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰੀ ਦਾ, ਧੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰੀ ਦਾ, ਹੱਜ ਕਾਰਿਆ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੱਜ ਕਰ ਆਇਆ, ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਰਾ, ਉਹ ਤੀਜਾ ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਛੜੀਆਂ ਨੇ।
करी जाओ, माफिया मंगी जाओ, हाथ मरे करी जाओ, अस्तगफिरुल्लाह।